नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल। मेरा नाम है नवनीत GMH। आज हम कुछ ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करेंगे। जो शुरुआत हम कर रहे हैं वो एक महत्वपूर्ण खबर है। किस तरीके से, अभी भी आपको बता दें, पोषण आहार को लेकर कालाबाजारी चल रही है और इस मामले पर जो है एक बड़ी कार्रवाई हुई है निदेशालय स्तर से, उसको हम जानने वाले हैं। और यह कार्रवाई आपको मैं बता दूं, यह कार्रवाई मुख्य सेविका के विरुद्ध हुई है। और आज आपको पता चलेगा, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार मुख्य सेविकाओं के ऊपर कार्रवाई हुई है, निदेशालय स्तर से हुई है। पूरे मामले को हम जानने वाले हैं और अब क्या होगा इनके साथ आगे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसी के साथ ही जो है, सरकार दूध वितरण योजना चला रही है, लेकिन कमाल की बात यह है कि जिनको सबसे ज्यादा आवश्यकता है उनको दूध नहीं दिया जा रहा है, और जिनको आवश्यकता, सभी को आवश्यकता तो है, जिनको कम आवश्यकता है, जिनको ज्यादा आवश्यकता है उनको ना देके, और आपको बता दे ऊपर के बच्चों को दिया जा रहा है। यह मामला जो है काफी उजागर हुआ, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ ही जो है, आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स से मैसेज आ रहे हैं, मैसेज की प्रतिक्रियाओं को भी हम देखेंगे। और इसी के साथ ही जो है, आंगनबाड़ी केंद्र ही सबको क्यों दिखाई पड़ रहे हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आखिरकार इस मुद्दे के बारे में क्या निकल कर आई है सच्चाई, वो भी हम जानेंगे। सभी लोग वन बाई वन करके जुड़ जाइए ताकि जो है शुरुआत की जा सके। और एक एक खबर को बहुत ही महत्वपूर्ण है जानना समझना। पोषण ट्रैकर से जुड़ा हुआ एक आदेश आया है, उसको भी हम जानने वाले हैं। पोषण ट्रैकर से जुड़ा हुआ क्या आदेश में लिखा है, किस राज्य से खबर है, वो भी हम जानेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से, जहां से आप बहुत सारे लोग जुड़े हैं, वहां से शुरुआत करते हैं। यूपी में एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बहुत सारे लोग इस खबर को शॉर्ट न्यूज में भी देखना चाहेंगे, तो इसलिए मैं यहां से कट कर देता हूं।